अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें ओवरऑल एंजाइम के वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई भी फैक्टर अगर उनकी केमिस्ट्री या शेप को चेंज करेगा तो ओवरऑल उनकी एक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। ओवरऑल जैसे जैसे रिएक्शन में आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा वो रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट तक, ठीक है। हर एंजाइम एक मैक्सिमम रेट पे स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं उस एंजाइम का। जैसे ह्यूमन एंजाइम्स की स्पेसिफिक वर्किंग के लिए उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पर वो एंजाइम्स प्रॉपर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर एक स्पेसिफिक सर्टेन लिमिट तक चला जाता है और उसमें हीट ऐड होना स्टार्ट हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी में, तो क्या होता है कि वो ओवरऑल रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी भी ऐड करती है। इस तरह रिएक्शंस आर बीइंग एक्सेलरेटेड। लेकिन जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी अबव मूव कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, और उससे अपवर्ड अगर मूव कर रहे हैं 40, 50, 60, तो क्या होगा कि ओवरऑल एंजाइम का जो ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। इसकी वजह से बहुत रैपिड डिक्रीज आता है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन में, और ये ब्लॉक्ड भी हो सकता है कम्प्लीटली, जैसा ये ग्राफ में आपके पास पूरी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आ रही है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो एक रिएक्शन में अवेलेबल हैं, अगर वहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम एंजाइम कंसनट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज होता रहता है, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे अगर आप फर्दर सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जितनी भी एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं एट हाई सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। अगर मजीद सबस्ट्रेट आप मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं तो उनको फ्री एक्टिव साइट्स मिल ही नहीं रही। इस स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स, और रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होता। ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी शेयर की है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पीएच। ऑल एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट देयर मैक्सिमम रेट अगर उनकी नैरो रेंज ऑफ पीएच वहाँ पे प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। नैरो रेंज ऑफ पीएच यानी कि एक मैक्सिमम रेंज बताई है 1 to 5, 1 to 6, इस तरह से। एक अगर उनकी पीएच में स्लाइट चेंज आता है, थोड़ा सा भी चेंज आता है, तो वो एंजाइम की ओवरऑल एक्टिविटी को बिल्कुल ही रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है, ठीक है। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे पेप्सिन की इन्होंने आपको एग्जांपल दिया, जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है वो एसिडिक मीडियम में एक्टिव होगा जब पीएच लो होगी, और ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, उसकी एक्टिविटी शो होती है अल्कलाइन मीडियम में, यानी कि पीएच की वैल्यू हाई होगी। चेंज अगर आ रहा है पीएच में तो वो ओवरऑल अमाइनो एसिड्स की आयोनाइजेशन को इफेक्ट करता है एट द एक्टिव साइट, इसलिए आपके पास एंजाइम्स प्रॉपर वर्किंग नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ओवरऑल मैकेनिज्म आपके साथ डिस्कस किया गया, एंजाइम एक्शन किस तरह एंजाइम एक्ट करता है, काम करता है। जब एंजाइम्स बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट के साथ तो ओवरऑल एक टेम्परेरी सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। एंजाइम ओवरऑल कैटेलाइज करता है रिएक्शन को और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और एंड पे आपके पास एंजाइम एज इट इज़ रिमूव हो जाएगा और साथ में प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। अब ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को एक्सप्लेन करने के लिए टू आपके पास मॉडल्स हैं। फर्स्ट वन इज लोक एंड की मॉडल। एक जर्मन केमिस्ट थे एमिल फिशर, उन्होंने 1894 में प्रपोज किया था लोक एंड की मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट में स्पेसिफिक शेप्स होती हैं जो एक दूसरे में एग्जैक्टली फिट हो जाती हैं, लाइक लोक एंड की, ठीक है। ये मॉडल की डायग्राम के साथ भी आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन हो रहा होगा। डायग्राम देखे बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। लाइक लोक एंड की, एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे में फिट होते हैं और एंजाइम एक्ट करके उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। ओके, सेकेंड मॉडल इज इंड्यूस्ड फिड मॉडल। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे डैनियल कोस्टलैंड, उन्होंने 1958 में सजेस्ट किया था एक मॉडिफिकेशन टू लोक एंड की मॉडल, और उन्होंने इंड्यूस फिड मॉडल सजेस्ट किया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती, बल्कि वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर लेती है, ठीक है। ये मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एज कम्पेयर टू लोक एंड की मॉडल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट आपको बताया देर आर ओवर 2000 नोन एंजाइम्स, और हर एंजाइम स्पेसिफिक किसी एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, और एंजाइम्स सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। हेडिंग भी आपके पास फर्स्ट हो गई। सेकेंड हेडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी। इसमें आपके पास प्रोटीएस एंजाइम्स की बात किया जो कि ब्रेक करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को इन प्रोटीन, और ये स्टार्च पे काम नहीं करेंगे, स्टार्च को ब्रेक करता है अमाइलेज एंजाइम। सिमिलरली लाइपेज एंजाइम की बात करें तो वो लिपिड्स पे
एक्ट करता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है इनटू फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, ये डिटर्मिन की जा सकती है एक्टिव साइट की शेप के अकॉर्डिंग। एक्टिव साइट में डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं जो कि एक एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को डिटर्मिन करती हैं। जैसा कि इस फिगर में आपको नजर आ रहा है, आपके पास एंजाइम है, एक्टिव साइट और थ्री सब्सट्रेट्स आपको बता दी हैं। अब एक्टिव साइट जो साइट है उसकी जो ज्योमेट्रिक शेप आपको नजर आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप सब्सट्रेट सेलेक्ट कर लेंगे और करेक्ट सब्सट्रेट इज सब्सट्रेट नंबर 3। ओके, नेक्स्ट वी विल डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट आंसर इज बी। 2, करेक्ट आंसर इज डी। 3, करेक्ट आंसर इज बी। 4th, करेक्ट आंसर इज डी। 5th, ए। एंड 6th, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट आपके पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपके पास ऑन द पेज नंबर 109। ओवरऑल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनके रीजंस हम लोग ड्यूरिंग लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।